सेक्शन देता है हमारा ये, और ये जो है हमारा सेकंड वीडियो है, इससे पहले सेक्शन ए बी सी डी, जो तीन चीज़ जो है, तीन सेक्शन जो है बेटा 2023 का जो पेपर था मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। सेक्शन डी रिमेनिंग रह गया था, इसलिए अभी मैं आपको अपलोड करके दे रही हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर, और क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है अपने ही चैनल पर, आप एक बार विजिट कर लीजिए। 27 है क्वेश्चन नंबर, और फिर उसके बाद हमको खून के दबाव से क्या मुराद है, तो आपको देखिए यहाँ पर तीन सवाल है बेटा। खून के दबाव से क्या मुराद है, खून के दबाव को नापने में इस्तेमाल होने वाले आले का नाम लिखिए, और फिर ल्यूमेन और दीवार की मोटाई की बुनियाद पर शिरियान और वरीद में फ़र्क लिखिए। तो देखिए शिरियान और वरीद में फ़र्क मैंने पॉइंट वाइज लगाया है, बनाया है। अगर आपको कॉलम बना करके लिखना है डिफ्रेंशिएट जिस तरीके से किया जाता है, अगर आप वैसा चाहते हो तो आप वैसा भी कर सकते हो। बट एक चीज़ को ध्यान में रखो कि देखिए यहाँ पर हमको ए का सवाल का जवाब मिल गया है, यहाँ बी का मिला हमको, और यहाँ सी का मिला, राइट है। उसके बाद देखिए हवा पसंद जेरगी वाले फूलों को के कोई तीन तवाफुक वाजे कीजिए, हवा पसंद फूलों की कोई एक मिसाल दीजिए। तो आपको यहाँ पर भी दो सवाल दिए गए हैं, और आप पसंद जेरगी, बेटा देखो ये जो जेरगी वाला सवाल है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ है, ये चैप्टर के अंदर जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछता है। तो मैं आपको यही राय दूंगी कि जेरगी वाला जो सवाल है इसको आप पढ़कर जाओ, ठीक है। देखिए मैंने मेरे हिसाब से इजी आंसर लिखने की कोशिश किया है, और मिसाल जो है मैंने घास मकई और जवार की दे दिया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया 27, 28, अब 29 देखो, 29 का भी आंसर मैंने दे दिया है आप लोगों को। इसके अंदर भी दो पार्ट दिया हुआ है, 1 और 2, राइट है। अब फिर आफ्टर डेट हमारे पास क्या है बेटा, देखिए मैंने यहाँ पर 29 तक आंसर दिया, अब ये 30 का है। 12वीं की अहमियत की कोई चार नुकात लिखिए, तो चार पॉइंट हमको लिखने हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर चार पॉइंट लिखना है फर्टिलाइजेशन का आपको। और दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है बराबदा और वाबदा से हासिल होने वाले कोई दो अज्जा के नाम लिखिए, तो आपको क्वेश्चन नंबर बी का जो है आपको दो आंसर लिखना पड़ेगा, दो पॉइंट में लिखना पड़ेगा। और फिर 31st इज़ आवर लास्ट आंसर, ठीक है। छोटा दिमाग के कोई दो अफाल लिखिए, और फिर बी आपको दिया है कोई चार हल्की अस्पा के नाम सिलसिलेवार नंबर के साथ लिखिए। तो आपको देखिए मैंने जवाब क्लियर दिया है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी, और अच्छे से मेहनत करो। ये जो पेपर था 2023 का पेपर था, और ये जो था फरवरी में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम था, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।